आमीन आमीन। जय आज तमीर सीरत स्कूल का जो इफ्तिताह किया है इस पर हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज भी करते हैं कि रहमानी साहब की ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाए। इन्होंने जो तरबियत का अमल शुरू किया है जो बाकी इदारों में बहुत कम कम देखा जाता है, या अल्लाह इनके इरादों को जो है वो कामयाब हो ज्यादा। आज के इस प्रोग्राम में जितने दोस्त भी शामिल है उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाओ, उनको अपने हिस्सों मान मेरा या अल्लाह। वतन अजीज पाकिस्तान के हालात को भी दुरुस्त फरमाओ। रब्बा आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबुल क़ब्र वक़िना अज़ाबुस सक़र वक़िना अज़ाबुल हश्र वक़िना अज़ाबुल मीज़ान। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन वअला आलिही। स्कूल में बच्चों और बच्चियों को किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर सामान मुफ्त में फराहम किया जाएगा। मारूफ समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद हनीफ रहमानी ने तमीर सीरत स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि तमीर सीरत वो वाहिद स्कूल है जिसमें बच्चों की तरबियत की जाएगी और फिर तालीम दी जाएगी। इस स्कूल में यतीम बच्चों की तालीम बिल्कुल मुफ्त होगी और इसमें अखलाकियात को खसूसी तौर पर मौजू बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि आजकल माशरे में झूठ और बदनामी को कोई गुनाह नहीं समझा जाता। जब मैं इस सतह पे जाके बच्चों की ज़हनी तरबियत करना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चा जब घर जाए तो अस्सलामु अलैकुम के बाद अपनी वालदा के हाथों को बोसा दे, क्योंकि और बक्स पड़ा होगा बच्चे पैसे डालें और चीज़ उठा के ले जाएं। कोई 5 की चीज़ डाल ले उठाए, 5 डाले और 50 की उठा ले, हमने नहीं उसे पूछा ना उतर कैमरा लगाएंगे। पंजाब में मंजूर अहमद भट्टू ने स्कूल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बच्चों को जद्दोजहद और मेहनत के हवाला से भी खसूसी सबक पढ़ाया जाए। उन्होंने कहा मेरी वजारत आला दौर में मैंने बेशुमार डिग्री कॉलेज और स्कूल बनाए और असातिज़ा को भर्ती किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया लेकिन आज वो तलीम के मुकाबले में हमसे आगे है और इसके मुआशी हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। आज हमारे मुल्क की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को बहाल करें। सियासतदानों का ये इम्तहान है कि वो आपस में इतफाक करें और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे करवाए जाएँ, वरना यह सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा मजाक होगा। उन्होंने अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से 10 बच्चों की कफालत का जुम्मा भी लिया। तकरीब से सिविल सोसाइटी इत्तेहाद के सदर दीवान अदनान अहमद, एडवोकेट मियां अहमद रजा भट्टू याद अहमद खान ने भी खिताब किया। तकरीब में मियां नवाब अली खान कलस, मियां मलक नसार अहमद नौल, मोहम्मद अहमद साजद, मियां इकबाल नदीम, मोहम्मद आसफ खान, वकास अहमद चौधरी, अली अहमद, जुल्फकार अहमद रहमानी, मोहम्मद अली खान लोधी, कारी नदीम सरवर मुआविया, मकसूद अहमद पट्टी के अलावा वजदीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की।